केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जांजगीर चांपा दौरे पर पहुंचे, जहां भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल में भूपेश सरकार ने कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते से हमारे संवाददाता राजकुमार साहू ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 4 से 5 महीने बचे हैं और लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता का छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। आज जांजगीर चांपा जिले में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति है, 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की आगे क्या रणनीति रहेगी जिससे आगे भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये हमारा आधार है, ये है विकास तीरथ, ये जो 4 लाइन का काम शुरू हो रहा है और इसलिए हमारा आधार होगा चुनाव का विकास, और विकास को सामने रख करके छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। 4.5 वर्षों से कोई भी ऐसा काम, उदाहरण छत्तीसगढ़ में हम दे नहीं सकते जो भूपेश बघेल ने ऐसा कोई काम किया हो, और यही आधार है, और इसलिए हम काम के आधार पर लड़ेंगे और अगली सरकार फिर भाजपा की बनाएंगे इस छत्तीसगढ़ के अंदर। गोधन न्याय योजना को लेकर की बात आती है कि केंद्र सरकार तारीफ करती है और यहाँ पर जो भाजपा है वो उसी योजना का विरोध करती है, तो इस तरह की स्थिति पर क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी योजना का विरोध नहीं करते, हम उस काम का गुणवत्ता का विरोध उसका होता है। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया भूपेश बघेल ने। देखिए, हम पूरे देश भर में काम करते हैं तो बहुत जगह भी ऐसी स्थिति बन सकती है, परंतु काम नहीं करना है, केवल बात करना है, तो बात करने से कोई कल्याण तो नहीं हो सकता। एक सवाल है, ये अभी नंद कुमार साय जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं, तो ठीक चुनाव पहले किस तरह की स्थिति बन सकती है? देखिए, अब किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, जिसकी मर्जी जहाँ है उसको अपना देखते रहते हैं, और परंतु आज देखिए इतने समय तक आज देश में पार्टी ने इतना काम किया है, और इस काम के आधार पर हम बात करेंगे कौन व्यक्ति कहाँ है उनकी अपनी स्वतंत्र। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कहना है कि विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनाव में। उन्होंने नंद कुमार साय को लेकर भी कहा है कि उनके कांग्रेस में जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।